जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका अपना बासित, और आप देख रहे हैं बासित व्लॉग्स। और आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं जिसमें ये है कि हम जा रहे हैं मुल्तान, वहां पे घोड़ों का मैच है और बहुत ही अच्छा मैच है और पूरे पंजाब के घोड़े वहाँ पर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारी वीडियो को पसंद आएगी आपको। फ्रेंड्स, इकराम ने यहाँ से उठाना था कैमरा, तो वो गया है अभी बाहर से लेने, तो हम उसका वेट कर रहे हैं, तो अभी वो आता ही होगा। फिर देर के बाद इकराम आ चुका है, ये देखिए आप, उसने कैमरा उठा लिया है। हमारे पास कैमरा भी आ चुका है क्योंकि साफ जाहिर है कि अगर हम एक हॉर्स इवेंट पे जा रहे हैं तो लेट बहुत करते हो आप इकराम। तो मैं क्या करूं यार, वो दोस्त थे तो वो जरा बातचीत करने लगे, वो कहते थे चाय पी लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ दोस्त हैं तो अभी चले। अच्छा किया आपने आ गया, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये सामने बहुत ही ज़्यादा रश है बड़ा। यहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ दिया जा रहा है आटे का, तो उस वजह से यहाँ पे तकसीम हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये देखें, आवाम, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब हैं यहाँ पे। तो ये देखें, बहुत ही रश है। आराम से वाजिब देखना, कहीं लग ना जाए कहीं। फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं। वक्त हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं और बाकी तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा और पहुंचने में। ये देखें इकराम, थोड़ा थक गए हैं। थक चुका हूं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, अगर मैं टाइम की नोयत को देखो तो काफी लेट हो चुके हैं। मैंने इनको कहा भी था कि जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, लेकिन ये सोए पड़े रहते हैं, एक नहीं मानते। मेरी सारी नाजरीन ये अपनी बनाते हैं, प्लीज अपने कमेंट में बताएं मैं हक पर हूँ या नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा लेट उठना चाहिए, कुछ नहीं होता। वैसे भी मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया यार, बहुत भूख लग रही है। कुछ खाना कोई बात नहीं, आपको नाश्ता आज हम रमादा में जा रहे हैं, प्रोग्राम के एंडिंग के बाद रमादा भाई हम आपको लेके जाएंगे, बेफिक्र रहे। ये देखें, व्याड़ी चौक हम पहुंच चुके हैं और ये हम जा रहे हैं बिल्ली वाला मुस्लिम। कंटिन्यू ऑन मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड फॉर 4 किलोमीटर्स। ओके, ये हमने मैप भी ऑन किया हुआ है गाइडेंस के लिए। तो ये हम जा रहे हैं बिल्ली वाला मुस्लिम कॉलेज के साथ, तो वहाँ पे है हॉर्स का डांस वगैरह। ये मुझे लगता है सारी आवाम वहीं जाती है। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे हमने अब गाड़ी पार्क करनी है।
इमाम साहिब सरपरस्ते दरबार आलिया हजरत बाबा मासूम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह घोड़ा जी शोकर जी घोड़ा हाँ हाँ जी भाई हाँ जी क्या बात हाँ जी हाँ वैलो डोली बात चल रही है बड़ी और बहुत थक चुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए यहाँ गाड़ी में आए हैं हम और इकराम तो अभी तक ये देखकर उसकी सीट खाली पड़ी है कैमरे का बैग पड़ा हुआ है कैमरा वो वीडियो बना रहा है और हमारे तो भाई बस हो गई है इस वक्त तो टाइम हो चुका है वो है 2 बज चुके हैं तो हिम्मत है इकराम की भाई इकराम की बहुत ज़्यादा हिम्मत है तो नाजरीन अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं और ये हैं इकराम भाई तकरीबन 4-5 घंटे से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते रहे हैं बस YouTube फैमिली के लिए तो आप इनकी वीडियोस को जरूर देखें और साथ हमारे इनसे प्यार करें और साथ हमारा व्लॉग भी जरूर देखें तो नाज़रीन यहाँ से अब हम निकल रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब और सुहाना हो रहा है और अब जाके हम कहीं से खाना खाएंगे इकराम भाई ने खाना खिलाना है इकराम भाई ने तो आज हमें खाना खिलाना ही खिलाना है और उसके बाद फिर जाके हम रेस्ट करेंगे आज बहुत थक गए हैं बहुत थक चुके हैं तो ये देखें नाज़रीन हम यहाँ से निकल रहे हैं और मौसम आप खुद देख लें कि कैसा सुहाना हो रहा है भाई ने ब्रेक्स ना लगाए इधर मैंने ब्रेक लगा दी आप सीधा बाहर जाना इस तरह में बैठे तो देखें व्यूअर्स वापसी पे हमने जो इंतखाब किया है रूट का वो हमने मोटरवे सेलेक्ट किया है तो हमने कहा चलो आराम से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज तो मोटरवे से चले जाते हैं ये देखें हमने मोटरवे चढ़ गए पे चढ़ गए हैं हम और स्पीड मेंटेन रखना 120 से ऊपर मत जाना ये देखें कितने ही प्यारे नज़ारे हैं गांव के ये मुल्तान के पास के ही हैं और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है और हम हैं वापसी की तरफ ये देखें कितनी मेहनत से वो सफाइयाँ कर रहे हैं लोग तो व्यूअर्स ये चेक करें आप मौसम बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और दुआ करें कि याला बारी ना हो कहीं पे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं फसलों के और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं अल्लाह पाक से रहम करना चाहिए और यहाँ देखें इतना कमाल का मौसम हुआ है ना क्या बताएं आपको अल्लाह पाक बारिश दे तो रहम की बारिश दे तो ये देखें इतना कमाल का मौसम है व्यूअर्स ये देखें हमने शीशा खोल दिया है और ताकि आपको बारिश दिखा सके और हमें तो डर है कि इकराम कहीं बारिश से ना उड़ ना जाए शीशा खुला हुआ है तो इकराम हवा से ना कहीं बाहर ना उड़ जाए बस ये डर है हमें तो ये देखें लगता है अब शीशा क्लोज करना चाहिए इकराम चाहे ना वो उड़ ना जाए बाहर हमने अब इकराम सेफ है भाई तो व्यूअर्स ये देखें बारिश हो चुकी है बारिश होने के बाद के मनाजिर हैं ये और ये देखें आपको पानी देख सकते हैं कि कितना चढ़ा है और अभी भी बादल हैं अल्लाह पाक से दुआ है कि अब बारिश ना हो ग्राम भाई शुक्रिया यार शुक्रिया थैंक यू ग्राम भाई ये देखें भाई ग्राम भाई ने हमें खाना खिलाया है बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना है ये देखिए आपका दिल मांग रहा होगा है ना ये देखिए अच्छा तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है
खाने का बिल इकराम ने दिया, खाने का जो बिल था वो इस भाई ने पे किया। अलग बात है कि जेब काली हो गई। अब ये देखें, खाने का बिल पे करने के बाद जैसे मरीज हो गया है बड़ा। अच्छा थैंक यू इकराम भाई। तो अब इकराम भाई हमारा मुंह मीठा करवाएंगे इस्माइल वालों के। ना सुना रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, तो यहाँ से वो रसगुल्ले खिलाएंगे। चाय पिला दे, मौसम ठंडा हुआ है। अच्छा तो चाय कहीं से पिला देना, वीआईपी इकराम। चाय मैं तो कहता हूँ चाय के लिए बस ले चलो, वहाँ पे चाय भी पिला देंगे, भी हटा देंगे अली रॉयल पुड़े। नहीं भाई नहीं भाई, इतनी देर तक चाय ऑर्डर कर देंगे। चले ठीक, हमने नाजरीन खाना खा लिया है, तो अब हम निकल रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। तो ब्लॉग को एंड करेंगे हम घर जाके, घर जाके एंड करेंगे इंशाल्लाह, अगर खैरियत से पहुंच गए तो। हम घर के लिए निकल चुके हैं, और ये देखें ये रास्ते में ना मेला है, तो ये देखें शॉप्स हैं। तो ये कल हम आपको ना तफसील से इसके बारे में बताएंगे। आज तो यहाँ से हम गुजर रहे थे, तो हमने कहा नेक्स्ट ब्लॉग यार ये तो उठा लो यार, बारिश की वजह से साफ किया था तो ऊपर ही रह गया। तो कल का व्लॉग हमारा लाजमी देखिएगा, ये मेले के अंदर लकीरा नहीं आई हुई है और इस तरह के सारे आए हुए हैं, तो आप होपफुली बहुत इंजॉय करेंगे। आज वाले से भी ज़्यादा मज़ेदार हो, क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो चले जी हम अब घर पहुंच के ना जी। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद तकरीबन हम घर पहुंच चुके हैं, और ये देखें यहाँ पे तो बारिश भी नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक का, क्योंकि ये देखें फसलें तैयार हैं गंदम, और अल्लाह पाक का करम है कि यहाँ पर बारिश ना हुई है और ना ही ओले वगैरह आए हैं। जी फ्रेंड्स हम सेफली घर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त टाइम है शाम के 6 बज चुके हैं, और आते ही हमने मोबाइल को चार्ज किया है क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। और हमारा व्लॉग इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वक्त मौसम बहुत ही ज़्यादा आउटक्लास हो रहा है, पीछे देखें दरख्त झूम रहे हैं हवा से, और बादल भी बहुत ज़्यादा गहरे आए हुए हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमारे, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। तो इसी के साथ आज का हमारा वीलॉग करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।